क्वेश्चन नंबर 160 सॉल्व 0.3x प्लस 0.4 इक्वल टू 0.28x प्लस 1.16। तो हमें इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन है 0.3x प्लस 0.4 इक्वल टू 0.28x प्लस 1.16। तो हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। तो एक तो ये वेरिएबल वाला टर्म्स ये है और एक ये, तो हम इस राइट वाले इसमें जो ये वेरिएबल वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। तो ये होगा माइनस 0.28x और ये 1.16 माइनस 0.4 और फिर हम इसमें माइनस कर देंगे। ये 0.3 है तो हम इसको 0.30 ले लेंगे क्योंकि इस नंबर के बाद आप जितने भी जीरो लोगे बट वो 0.3 ही होगा। तो यहाँ पे हम जीरो लिख लेते हैं और फिर इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 0.02x और इसमें माइनस करेंगे तो ये होगा 0.76। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0.76 डिवाइडेड बाय 0.02। तो इसमें पॉइंट के बाद टू डिजिट से बोथ नंबर में, तो हम यहाँ से पॉइंट को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं और टू से इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 38। सो x इक्वल टू 38 आंसर।